अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। और आज हम अपनी गुफ्तगू को वहाँ पे ही शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछले प्रोग्राम में उसको ख़त्म किया था। और आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हम इंटेलिजेंट एंटिटीज़ पर बात कर रहे थे और इंटेलिजेंट एजेंट्स पर बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि उस प्रोग्राम में हमने ये इस बात पे, इस नतीजे पे हम पहुँचे थे कि इंसान को हम बहसियत इंटेलिजेंट एंटिटीज़ लेते हैं और इंसान के कॉग्निटिव बिहेवियर को, इंसान के सोच के और सोच और एक्शन के अमल को मॉडल करने की कोशिश हम इंटेलिजेंट एजेंट्स में करते हैं। और इंटेलिजेंट एजेंट्स जो है वो बिल्ट इन नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, जो इंसान का इंट्यूशन का अमल जो है उसको और बिल्ट इन नॉलेज को जब हम जमा करते हैं तो हम इंटेलिजेंट एजेंट्स बनाने की या इंटेलिजेंट एजेंट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमने पिछले प्रोग्राम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एंटिटीज़ पे बात की थी और वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिल्ट इन नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, कि कोई इंटेलिजेंट एजेंट किस हद तक जो इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एग्जिबिट करता है। उसके अलावा हमने परफॉर्मेंस पे बात की थी, इंटेलिजेंट एंटिटीज़ की परफॉर्मेंस पे, ऑटोनॉमी पे बात की थी और मेजरिंग द सक्सेस ऑफ इंटेलिजेंट एंटिटीज़ उस पर बात की थी। उसके अलावा हमने परसेप्ट एक्शन मैपिंग स्कीमा, जो कि इंटेग्रल है टू द बिल्डिंग ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट, उस पर भी बात की थी। मज़ीद हमने इंटेलिजेंट एजेंट्स की बहुत सारी मिसालें जो हैं वो आपके सामने रखी थी, मसलन मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम की बात की थी हमने, इंटेलिजेंट इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर पे बात की थी हमने, एक इंटेलिजेंट मोनोरेल ड्राइवर पे बात की थी। इसके अलावा हमने रिफाइनरी कंट्रोलर एक इंटेलिजेंट एजेंट के तौर पे कैसे बिहेव करता है उस पर बात की थी। और उसके बाद हमने इन्वायरमेंट को डिफाइन किया था कि इन्वायरमेंट क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ क्या है। आपको याद होगा कि हमने इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ये देखा था कि इन्वायरमेंट एक्सेसिबल या अनएक्सेसिबल हो सकती है, स्टैटिक डायनेमिक हो सकती है, उसके अलावा वो एपिसोडिक और नॉन एपिसोडिक हो सकती है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हो सकती है। तो हमने इन्वायरमेंट की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक पर भी बात पिछले प्रोग्राम में की थी। और आज ख़ास तौर पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स पर बात करेंगे, सिंगल और मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, कॉन्टिजेंसी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे और प्रॉब्लम्स को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं एजेंट्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स की टॉय एग्ज़ाम्पल्स जो हैं उन पर बात करेंगे। और उसके बाद हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स की रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स जो हैं उन पर बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि एजेंट का काम क्या है, कि वो एक गोल डिफाइन करता है और उसके बाद उस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है और उसमें वो कहाँ तक कामयाब होता है ये चीज़ जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट पिक्स ए गोल एंड एम्स टू सेटिस्फाई दिस गोल। आइए हम इस चीज़ को कि एक एजेंट जो है वो गोल को किस तरह से पिक करता है और उसके बाद उसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। आप अपने जहन में लाइए वही एक ड्राइवर का जो एजेंट हमने ड्राइवर का के बारे में जो इंटेलिजेंट एजेंट है या वो इंटेलिजेंट ड्राइवर जो है जिसके बारे में हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे। फर्ज करें कि वो ड्राइवर जो है वो रोमानिया में है और रोमानिया में वो अराद सिटी में मौजूद है और वो बुखारस्त तक पहुंचना चाहता है और हम ये देखना ये चाहेंगे कि वो एजेंट जो है वो पॉइंट ए, एक शहर से लेके अरेड से लेके बुखारस्त तक कैसे पहुंचता है। तो इसमें हमारा गोल क्या होगा, गोल हमारा ये होगा कि उस ड्राइविंग एजेंट ने बुखारस्त पहुंचना है।
उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका एरिड सिटी है, और दरमियान में वो जिन जिन शहरों से गुजरेगा वो मुख्तलिफ स्टेट्स होंगी उसकी। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट के लिए सबसे पहला काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, और फर्स्ट स्टेप इज गोल फार्मूलेशन। किसी भी एजेंट के लिए सबसे पहला और सबसे अहम काम जो है वो गोल फार्मूलेशन होता है। उसकी वजह जो है वो ये है कि दैट डिटरमिन्स द बिहेवियर ऑफ दैट एजेंट। अनलेस एंड अनटिल वी डिफाइन ए गोल फॉर एन एजेंट, वी कैन नॉट डिटरमिन ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस ड्राइवर एजेंट जो है, इसकी मिसाल में इसका गोल क्या है, ड्राइव टू द बुखारेस्ट सिटी। और गोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए गोल इज ए सेट ऑफ वर्ल्ड स्टेट इन विच द गोल इज सेटिस्फाइड। मैंने पहले भी जिक्र किया कि एरिड सिटी से लेके बुखारेस्ट तक पहुंचना जो है वो उस एजेंट के लिए एक गोल है, और दरमियान में जितनी भी स्टेट्स आती हैं वो इंटरमीडिएटरी स्टेट्स हैं, एंड अनलेस एंड अनटिल आर एजेंट रीचेस टू दैट पर्टिकुलर गोल विच इज रीचिंग द बुखारेस्ट सिटी, वो उसकी वर्ल्ड स्टेट्स होंगी। वो कितने भी शहर दरमियान में रस्ते से वो गुजरेगा वो उसकी वर्ल्ड स्टेट होंगी, वो उसकी टोटल जो एनवायरनमेंट है स्टेट्स की उसको डिफाइन करेगा। सेकंड स्टेप, जब हमने गोल डिफाइन कर लिया किसी भी एजेंट के लिए, तो दूसरा स्टेप जो है वो प्रॉब्लम फार्मूलेशन का है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एक्शन एंड स्टेट्स टू कंसिडर। एंड एक्शन इज ड्राइविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर द स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू बीइंग इन द सर्टन सिटी। नंबर वन, सबसे अहम चीज, फर्स्ट स्टेप, डिफाइन ए गोल। जो इस मिसाल हमने जो दी, गोल ये है कि बुखारेस्ट सिटी तक उस ड्राइविंग एजेंट ने पहुंचना है, और दरमियान में उसकी इंटरनल सिटी स्टेट्स जो हैं वो किसी भी शहर में जब वो पहुंचता है तो वो उसकी वर्ल्ड स्टेट्स हैं। और सेकंड स्टेप जो है वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का है। इस सारी जो हमने इंटेलिजेंट एजेंट की या ड्राइविंग एजेंट की मिसाल हमने आपको दी है, इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है, द प्रॉब्लम इज रीचिंग द गोल स्टेट, हाउ टू पिक द नेक्स्ट बेस्ट एक्शन। ये जो मिसाल हमने दी कि आपका एजेंट जो है वो एरिड सिटी में है, एरिड सिटी से बुखारेस्ट पहुंचने के लिए उसने सबसे पहली क्या नेक्स्ट स्टेप है, जब वो शुरू कर रहा है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। गोल की तरफ पहुंचने में या गोल अचीव करने में इंटरमीडिएट जो स्टेट्स हैं वो उन स्टेट्स पे कैसे पहुंचे, ये किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट के लिए अहम तरीन जो काम है वो ये है। इफ द एजेंट इज अनफेमिलियर विद द ज्योग्राफी ऑफ रोमानिया एंड हैज नो मैप, इट हैज नो वे ऑफ नोइंग वेदर टू गो टू सेबू, तेमसोरा और ज़ेरेंग। अजीज तलबा, अपने इस ड्राइविंग एजेंट के लिए हमने एक गोल फॉर्मुलेट कर लिया कि उसने एरिड सिटी से लेके बुखारेस्ट तक जाना है। ये चीज़ भी हमारे इल्म में है कि हमारे पास रोमानिया का नक्शा नहीं है। ये चीज़ भी हमारे जहन में है कि मल्टीपल राउट्स या मल्टीपल वर्ल्ड स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारा एजेंट जो है वो एरिड से लेके बुखारेस्ट तक कैसे पहुँचेगा, उसके पास नक्शा भी नहीं है, मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो वो एरिड से लेके बुखारेस्ट कैसे पहुँचेगा। रैंडम इज द ओनली चॉइस टू डू इट। रैंडमली जो उसके पास अल्टरनेट चॉइसेस मौजूद हैं उनमें से रैंडमली वो पिक करेगा, और इस फलसफे को हम कहते हैं सर्च। सर्च के ज़रिए हमारा इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो डिटरमिन करेगा कि उसने कौन सा पैथ जो है या कौन सी वर्ल्ड स्टेट जो है वो एक्सेप्ट करनी है और कौन सी वर्ल्ड स्टेट पे उसने आगे मूव करना है। तो सर्च इज़ द फिलॉसफी, एंड सर्च लुक एट सेवरल पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस लीडिंग टू स्टेट्स ऑफ नोन वैल्यू एंड देन पिक द बेस्ट वन। तो अब सर्च को एज ए मेथडोलॉजी हम अपने इंटेलिजेंट एजेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और सर्च अल्गोरिदम क्या है,
Search algorithm takes an input, a problem, and returns a solution in the form of an action sequence. The actions recommended by the search algorithm can now be carried out in the execution phase. Hum is natije par pahunche ki hamara intelligent agent jo hai wo search philosophy pe base karega aur jo uske paas alternate choices available hain unko evaluate karega. Evaluate karne ke baad best action recommend karega aur jab best action recommend ho gaya to phir us par usko implement karega. हमारे पास एक जनरल कंस्ट्रक्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स के लिए वो मौजूद है और वो जनरल कंस्ट्रक्ट जो है वो प्रोग्राम फॉर्म में इस तरह से होगा. फंक्शन क्या है? सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट जिसको हम पी से डोनेट करते हैं, रिटर्न्स एन एक्शन. इनपुट्स क्या है? उसकी पी परसेप्ट है. एस इज एन एक्शन सीक्वेंस विच विल बी इनिशियली एम्प्टी. सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट वर्ल्ड स्टेट. स्टेट क्या होगी? Some description of the current world state. G जो है goal है. Initially goal जो है वो null होगा और problem जो है वो हमारी problem formulation में describe किया जाएगा. State, update state P. If S is empty then formulate a goal, then formulate problem, search and action, and then follow on the recommended action and then subsequent actions. तो हमारा जनरल किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के लिए जनरल कंस्ट्रक्ट उसका इस तरह से होगा कि हमने उसको गोल को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है, प्रॉब्लम को नरेट करना है और उसके बाद एक्शंस को नरेट करना है. और जब आपका प्रॉब्लम जो है, जब आप गोल आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसकी वेरियस इंस्टांसेस जो हैं, जब तक कि आप उस अपने गोल स्टेट में पहुंच नहीं जाते उसकी मल्टीपल इंस्टांसेस जो है वो आप उनको रन करेंगे. आइए अब हम इसी चीज को एक बहुत सादा सी मिसाल से समझते हैं. इस डायग्राम में हम आपको एक फर्जी, लेट्स से कि हमारे पास दो कमरे हैं, ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये दो कमरे हैं और ये जो हमें गोल से डॉट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये डर्ट है. लेट्स से ये हमारा रूम वन है, ये हमारा रूम टू है, तो इसमें दोनों कमरों में डर्ट है और ये वैक्यूम क्लीनर है. वैक्यूम क्लीनर से हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वैक्यूम क्लीनर से डर्ट को दोनों कमरों में को साफ करना है. तो हमारा गोल इसमें क्या होगा? हमारा गोल ये है कि हम वी गेट बोथ ऑफ दीज रूम्स फ्री ऑफ डस्ट. तो इसकी मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं और ये मल्टीपल स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट वन जो है ये आठ डिफरेंट इसकी स्टेट्स हो सकती हैं. या तो ये हो सकता है कि दोनों कमरों में डर्ट है और वैक्यूम क्लीनर जो है ये रूम इस कमरे में है, दोनों कमरों में डस्ट है, वैक्यूम क्लीनर जो है वो दूसरे कमरे में है, एक कमरे में डस्ट नहीं है, एक कमरे में डस्ट है विच इज सिचुएशन थ्री और वैक्यूम क्लीनर भी उसी कमरे में है जिसमें डस्ट है, चौथी सिचुएशन ये है कि कमरे में डस्ट है लेकिन वैक्यूम क्लीनर दूसरे कमरे में है, पांचवीं सिचुएशन उसकी प्रॉब्लम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से है कि जिस कमरे में डर्ट नहीं है आपका वैक्यूम क्लीनर उस कमरे में पड़ा हुआ है और दूसरा कमरा जो है उसमें डर्ट मौजूद है. छठी इसकी इटरेशन इस तरह से पॉसिबल है कि एक कमरा आपका साफ है और ये नंबर टू रूम में आपके डर्ट भी है और वैक्यूम क्लीनर भी वहीं पर है. सातवीं स्टेट ये हो सकती है कि इस रूम वन में लेफ्ट वाले कमरे में वैक्यूम क्लीनर है लेकिन डर्ट किसी भी कमरे में नहीं है. और आठवीं इटरेशन जो है इसकी, ये आपकी किसी भी कमरे में डस्ट नहीं है और वैक्यूम क्लीनर आपका राइट वाले कमरे में है. तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम की वर्ल्ड स्टेट्स जो हैं उनको समझना पड़ेगा. नंबर वन, गोल हमारा क्या है कि टू हैव बोथ दीज रूम्स लेफ्ट एंड राइट फ्री ऑफ डस्ट, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है. लेकिन जो इसकी वर्ल्ड स्टेट्स हैं ये आठ पॉसिबल इसकी वर्ल्ड स्टेट हो सकती हैं. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना एक इंतहाई अहम हमारे पास इशू है किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट को बनाने के लिए, किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट को कंस्ट्रक्ट करते वक्त. अब इंटेलिजेंट एजेंट जो है जब हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो सिंगल स्टेट प्रॉब्लम है या मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम है. वर्ल्ड स्टेट्स जो हैं
वो हमारे पास एक दो या एन नंबर ऑफ वर्ल्ड स्टेट्स जो हैं वो हो सकती हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक वर्ल्ड स्टेट है तो वो हमारा, हम उसे कहेंगे कि सिंगल स्टेट वो हमारा प्रॉब्लम है। इन ए सिंगल स्टेट प्रॉब्लम एन एजेंट एग्जैक्टली नोज वेयर इट इज एंड व्हाट ईच ऑफ इट्स एक्शन डज। ये हमारे वैक्यूम की जो हमने मिसाल दी है, अगर आप स्टेट फाइव को लें, लेट्स से ये स्टेट फाइव जो है हमने इसको रिप्रोड्यूस किया है यहाँ पे, कि लेफ्ट वाले कमरे में वैक्यूम क्लीनर मौजूद है और इसमें डर्ट नहीं है, और इसको सीक्वेंस एक्शन इसकी ये होगी, गो राइट एंड सक, वी रीच टू ए गोल स्टेट। सिंगल स्टेट रिसर्च प्रॉब्लम में एजेंट को पता होता है कि वो कहाँ पे है और उसका नेक्स्ट बेस्ट एक्शन जो है वो क्या है। अगर हमारे वैक्यूम क्लीनिंग एजेंट को ये पता है कि वो इन स्टेट फाइव है और वो इस वक्त उस कमरे में है, लेफ्ट वाले कमरे में है जहाँ पे डर्ट नहीं है, अगर वो मूव करता है राइट को और सक करता है तो वो अपनी गोल स्टेट पे पहुँच जाता है, जो कि ये है हैविंग बोथ द रूम्स फ्री ऑफ डस्ट। मल्टी स्टेट प्रॉब्लम्स में द इफेक्ट ऑफ द एक्शन आर नोन बट देर इज ओनली लिमिटेड एक्सेस टू द वर्ल्ड स्टेट। मल्टीपल एक्सेस में आपकी वर्ल्ड स्टेट में आप किसी भी गिवन मौके पे, किसी भी गिवन इंस्टांस पे आपका जो इंटेलिजेंट एजेंट है वो किसी एक वर्ल्ड स्टेट में है, लेकिन उस एजेंट के सामने मल्टीपल वर्ल्ड स्टेट्स अवेलेबल हैं उसको सॉल्व करने के लिए या चूज करने के लिए अपना नेक्स्ट बेस्ट एक्शन जो है। हम मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द इफेक्ट ऑफ द एक्शंस आर नोन बट देर इज ओनली लिमिटेड एक्सेस टू द वर्ल्ड स्टेट। अपनी वैक्यूम वर्ल्ड वाली जो हमारी मिसाल है उसमें जब हम बात करते हैं तो इनिशियल स्टेट इज वन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने आपको डिस्क्राइब किया कि हमारी जो वैक्यूम वर्ल्ड है उसमें 8 पॉसिबल स्टेट्स हैं, तो इनिशियल स्टेट जो है वो हमारा वैक्यूम क्लीनर जो है या एजेंट जो है वो उन 8 में से किसी भी स्टेट में हो सकता है, जो कि हमने डायग्राम में आपके सामने रखा। फॉर एग्जांपल, राइट विल गेट इनटू वन ऑफ द स्टेट्स 2, 4, 6, 8। अगर हमारा इंटेलिजेंट एजेंट जो है उसको वो राइट को मूव करता है 2, 4, 6 या 8 reaches to either of these four states and right suck left side will get to the goal state। देखें कि ये हमारा जो intelligent agent है, अगर let's say हमारी इस वक्त वो state one में है, अगर वो right को move करता है तो वो will reach in one of these states, state 2, state 4, state 6 or state 8। इससे पेशतर कि हम problem solving agents के बारे में थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल मिसालें आपके सामने पेश करें, यह बेहतर होगा कि हम प्रॉब्लम्स की कम अज़ कम दो और डिफरेंट फार्मूलेशन जो हैं या टाइप्स जो हैं उनको देख लें, और एक टाइप जो है वो कॉन्टिजेंसी प्रॉब्लम्स हैं। आपने यकीनन कॉन्टिजेंसी प्लानिंग का नाम सुना होगा कि आप किसी भी मल्टीपल वर्ल्ड स्टेट्स के लिए अपना एक्शन प्लान जो है वो तैयार करते हैं कि इन केस इन वट एवर सिचुएशन यू आर, इफ एनी पर्टिकुलर सिचुएशन अराइजेज फॉर दैट वट एक्शन डू यू हैव, एंड एज सच वी डिफाइन द कॉन्टिजेंसी प्रॉब्लम्स एज प्रॉब्लम्स वेयर इट इज नेसेसरी टू डू सेंसिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज। हमारी जो वर्ल्डली कॉन्टिजेंसी प्लानिंग की जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंट्स की दुनिया है उसमें भी अप्लाई करती है, कि आप जिस भी वर्ल्ड स्टेट में हैं आप उसके बारे में बाखबर हैं और जो नेक्स्ट अल्टीमेट स्टेट आपकी आती है उस स्टेट के बारे में आपके पास कोई प्लान मौजूद है। एज सच आई विल डिफाइन कॉन्टिजेंसी प्रॉब्लम्स एज द प्रॉब्लम्स वेयर इट इज नेसेसरी टू डू सेंसिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज। ए होल ट्री नीड्स टू बी बिल्ट where each branch deals with the contingency that can occur। आपको जैसा कि हम contingency planning में करते हैं कि आप जिस भी state में हैं आप उसके जो भी possible situation from that state हो सकती हैं, whatever possible world state you can encounter you work out an action plan for that।
कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट से आप स्टेट ए बी सी टी डी ई जिस भी स्टेट में जाएंगे उसके लिए आपके पास एक एक्शन प्लान जो है वो मौजूद होगा, जिसके लिए आपको वो सारा जो ट्री ऑफ एक्शन जो हैं वो, कि अगर आप ऑप्शन ए चूज़ करते हैं फिर क्या होगा, फिर उसके मल्टीपल चॉइसेस फर्दर हो सकते हैं, तो आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉसिबल स्टेट्स हैं उनका एक डिसीजन ट्री जो है वो बनाना होगा इन ऑर्डर टू वर्क आउट ए सॉल्यूशन और रीच इन ऑर्डर टू सर्च ए सॉल्यूशन टू रीच द गोल स्टेट। हमारे इन आर प्रैक्टिकल सिचुएशन इन द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कॉन्टिंजेंसी प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी इनकाउंटर फॉर आर इंटेलिजेंट एजेंट्स आर कॉन्टिंजेंसी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स की एक और टाइप जो है वो एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, और एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम में आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है आपको सर्च अल्गोरिदम्स डेवलप करने पड़ेंगी, सर्च स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि आप अननोन को एक्सप्लोर कर सकें। तो एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम्स को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, द एजेंट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इट्स एक्शंस, बीइंग लॉस्ट इन स्ट्रेंज कंट्री विदाउट ए मैप। आपको ये जो रोमानिया वाली ड्राइविंग एजेंट की मिसाल हमने दी उसमें हमने ये देखा कि अगर ड्राइविंग एजेंट के पास मैप नहीं है तो वो उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक ज़ाती सी मिसाल आप देख लें, आपकी कोई किताब जो है वो आपके घर में अगर गुम हो जाती है, आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी रसल एंड नॉर्विज की किताब जो है वो आपको अगर मिल नहीं रही तो वो मल्टीपल प्लेसेस पे हो सकती है, आपकी स्टडी टेबल पे हो सकती है, आपकी डाइनिंग टेबल पे हो सकती है, बेडरूम में हो सकती है, हो सकता है कि आप बाहर कहीं लॉन में बैठे पड़ रहे हो वहाँ पर हो सकती है। अगर आपको उसके बारे में इल्म नहीं है कि वो कहाँ पर है, इसी तरह से आप किसी स्ट्रेंज लेट से किसी ऐसे घर में जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उस बिल्डिंग के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको और आप किसी ख़ास कमरे में या किसी ख़ास शख्स के पास पहुँचना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इन इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहते हैं। द एजेंट मस्ट एक्सपेरिमेंट ग्रेजुअली इन सच अ केस डिस्कवरिंग व्हाट इट्स एक्शन डू एंड what states exist, search in the real world instead of a model। exploratory problems में अगर चूंकि हमारे पास information नहीं होती तो हमें explore करना पड़ता है अपना next action and how that action takes us closer to our goal। अजीज तलबा, आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी किस्म का, ख्वाह वो आपका एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम हो, ख्वाह वो आपका कॉन्टिजेंसी प्रॉब्लम्स हो, या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, आप अगर इंटेलिजेंट एजेंट जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो आइए देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है। नंबर वन, एन इनिशियल स्टेट दैट द एजेंट नोज इटसेल्फ टू बी इन। An operator to describe an action in terms of which state will be reached by carrying out the action in a particular state. Then, initial state and operator define the state space of the problem, the set of all states reachable from the initial state by a sequence of actions. Then, is the path. A path is any sequence of actions leading from one state to another, and the goal state can be used by the agent to define its state is a goal state. To kisi bhi problem solving agent ke liye, number one, initial state, it is important, the state in which the agent is, then is the operator. Operator are the multiple actions which takes an agent from one state to another state, and then is the state space, the possibility of the world states jo hai wo uski state space hai ki wo from the initial state jis bhi state mein ja sakta hai ya jitni bhi world states mein wo ja sakta hai to wo uski state space hogi।
उसके अलावा फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम स्टेट वन टू द नेक्स्ट स्टेट देर इज ए पैथ, रीचिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट देर इज ए पैथ, एंड अल्टीमेटली इट कीप्स ऑन वर्किंग, इंटेलिजेंट एजेंट कीप्स ऑन वर्किंग ऑन द सेम फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द नेक्स्ट बेस्ट स्टेट अंटिल इट रीचेज टू द गोल स्टेट विच इज द डिजायर्ड स्टेट. इसमें जो अहम चीज है इंटेलिजेंट एजेंट के लिए, दैट इज पाथ कॉस्ट फंक्शन. वही हम अगर आरड से बुखारस्त जाने वाली जो मिसाल है उसी मिसाल को लें, तो कितना अच्छा हमारा एजेंट है ये डिटरमिन करेगा कि वो एरिड से लेके बुखारस्त तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, फॉर एग्जांपल कितना फ्यूल खर्च करता है, और वो कितनी एफिशिएंटली फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट पहुंचता है. ये दैट डिटरमिन्स द वर्थ ऑफ दैट इंटेलिजेंट एजेंट. तो इसके लिए पाथ कॉस्ट फंक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है इन बिल्डिंग द इंटेलिजेंट एजेंट्स. प्रॉब्लम को हम डेटा टाइप भी कह सकते हैं. कंपोनेंट्स जो हैं, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, इनिशियल स्टेट, ऑपरेटर्स, गोल टेस्ट, पाथ कॉस्ट फंक्शन. और सर्च एल्गोरिदम जो है, इनपुट इज एन इंस्टेंट ऑफ द डेटा टाइप, आउटपुट इज ए सॉल्यूशन, ए पैथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द स्टेट दैट सेटिस्फाइज द गोल. ये हमारा कंस्ट्रक्ट जो है ये सर्च एल्गोरिदम का होगा. इसी तरह से किसी भी सिंगल स्टेट के लिए, सिंगल स्टेट प्रॉब्लम और मल्टीपल स्टेट प्रॉब्लम में डिफरेंस यही है कि सिंगल स्टेट प्रॉब्लम में आपके पास, आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में रहते हुए यू एक्वायर द नॉलेज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. इन मल्टीपल स्टेट आपको मल्टीपल जो वर्ल्ड स्टेट्स हैं उनमें से किसी में जाना होता है एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट एक्शन.